उ बिल्म शिटवान रजीम बसम रहीम माई डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप डैट यू आर फाइन डियर स्टूडेंट्स आज की जो मेरा वीडियो लेक्चर होने जा रहा है वो एम ए इंग्लिश पार्ट टू की जो पोइट्री है पेपर वन उसके ऊपर होने जा रहा है और इसमें आज हम अटम्प्ट करने जा रहे हैं डिस्कस करने जा रहे हैं जो जॉन कीट्स की एक एपिक पोम है हाइपेरियन इसको हम अटेम्प्ट करेंगे तो हाईपेरियन जो है ये एपिक पैटर्न पे जॉन कीट्स ने लिखी है लेकिन उसने इसको कंप्लीट नहीं किया यानी ये उसकी एक इनकम्प्लीट जो है वो एपिक है अब ये पॉइम जो है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैंने काफ़ी सर्च करके ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये बनाया है और इस ग्राफ की मदद से आप इस पॉइम को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आए अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स इस पॉइम को समझने के लिए इस ग्राफ पे आपने फोकस करना है फिर आपको इस पॉइम का जो थीम है जो सेंट्रल आइडिया है वो सारा आपके जहन नशीन हो जाएगा तो ये ग्राफ जो है ये जो ग्रीक गॉड एंड गोडसेज हैं जो उनकी माइथोलॉजी है आ, उसमें जिन गॉडस का जिक्र है ठीक है उसको मद्द नज़र रखते हुए आ, ये ग्राफ जो है ये बनाया गया है तो हम स्टार्ट लेते हैं प्राइमोडियल गॉड से प्राइमोडियल प्राइमोडियल का जो मतलब होता है वो होता है एंशियंट ए एन सी आई ई एन टी ancient गॉड्स ठीक है प्राइमोडियल गॉड्स सबसे पहले की था और उसके बाद जो है वो बर्थ हुई प्राइमोडियल गॉड्स की यानी कि जो एनशियट जो यूनान की जो माइथोलॉजी है उसके मुताबिक जो एनशियट गॉड्स हैं जिनको प्राइमोडियल गॉड्स कहा जाता है उनकी बर्थ हुई तो उसमें जो पहले नंबर पर पैदा हुई वो है जी गाया गाया ये जो गाया है इसको कहा जाता है गॉडेस ऑफ़ अर्थ यानी गॉडेस ऑफ़ अर्थ ज़मीन की देवी अच्छा गाया ने फिर आगे जन्म दिया यूरेनस को ठीक है यूरेनस को यूरेनस जो है वो है जी गॉड ऑफ स्काई ठीक हो गया यानी कि क्योस से किस चीज़ ने जन्म लिया पहले अर्थ ने जन्म लिया और फिर स्काई ने जन्म लिया ये यूनान की माइथोलॉजी के मुताबिक आपको मैं बता रहा हूँ उसके बाद क्या हुआ जी गाया और यूरनस ने ये इन्होंने आपस में शादी कर ली और इन से आगे फिर बच्चे पैदा हुए अब इन बच्चों के नाम क्या हैं इसमें सबसे पहले आता है जी हाईपीरियन जिसके ऊपर ये पॉइम है जो जॉन कीट्स ने एपिक पॉइम जो है ना वो लिखी है उसके बाद है जी क्रोनस क्रोनस को सैटर्न भी कहा जाता है और ये है जी गॉड ऑफ हार्वेस्ट उसके बाद है रिया रिया और रिया के बाद आती है थिया थिया का इस पॉइम के अंदर आपको ज़िक्र मिलता है यानी ये जो पॉइम है इसके शुरू में आपको क्रोनस का यानी कि सैटर्न का सैटर्न की जो फॉलन स्टेट है कि वो कैसे एक अनजान सी वादी के अंदर एक डार्कनेस के अंदर गल किसी गार में वो गिरा पड़ा है ठीक है उसकी कैफियत है आ वो डिफ़ीटेड है टोटली डिफ़ीटेड है ये पॉइम के शुरू में ही हाइपेरियन के शुरू में ही आपको सैटर्न का तस्करा जो है वो मिल जाता है गाया और यूरेनस ने जब शादी की तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो ये हैं उनके नाम ये हैं हाइपेरियन जिसके ऊपर इस पॉइम का आ, टाइटल रखा गया है फिर क्रोनस जिसको सेटरन भी कहते हैं और ये गॉड ऑफ हार्वेस्ट है रिया है थिया है फीबी है ओशनस है ऑस्टेरिया है हेलियस है अब ये सारे जो गॉड्स हैं ये जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं इनको कहा जाता है द टाइटन्स द टाइटन्स मतलब ये हुआ कि पहले जो प्राइमोडियल गॉड्स थे उनको कहा जाता है फर्स्ट जेनरेशन गॉड्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ गॉड्स यानी ग्रीक uh, जो गॉड्स हैं उनकी जो पहली नस्ल है जिनको प्राइमोडियल कहा जाता है और जो उनसे बच्चे पैदा हुए जिनको टाइटन्स के नाम से जाना जाता है ये जो टाइटन्स हैं इनको कहा जाता है सेकंड जनरेशन ऑफ गॉड्स सेकंड जनरेशन ऑफ गॉड्स अच्छा इनमें सेकंड जनरेशन में कौन है जी हाइपेरियन जिसके मतलब ये पॉइम है फिर क्रोनस है सैटर्न जिसको सैटर्न कहा गया इस पॉइम के अंदर और शुरू में ही आपको इसका जो तस्करा है वो मिल जाता है वो अपनी फॉरन स्टेट के अंदर है और बड़ी एक अजीब सी कैफियत में है मायूस है और फिर रिया रिया जो है ये इसकी वाइफ है अच्छा सैटर्न के बाद फिर जो पॉइम के अंदर करेक्टर आता है वो थिया है यानी ये सैटर्न की बहन है ठीक है ये थिया वहाँ पे आती है ये उसको इनक्रेज करती है और ये उसको लेकर फिर ये दोनों मिलकर जो है ये हाइपेरियन के पास जाते हैं और हाइपेरियन जो है उसकी अभी जो सल्तनत है डेट इज़ नॉट ऑल लॉस्ट वो अभी थोड़ी बहुत जो है वो बाकी है और उसके बाद फिर ये आगे जो है ना मज़ीद प्लानिंग जो है ये करते हैं फिर फीबी है ओशनस है है हीस है इनका जो तजकर है वो इस पॉइंट के अंदर आपको नहीं मिलेगा अच्छा उसके बाद क्या हुआ क्रोनस यानी कि सैटरन क्रोनस और रिया ने आपस में शादी कर ली अच्छा इनकी शादी हुई तो फिर इन से बच्चे पैदा हुए इन बच्चों के जो नाम हैं वो है जी जियूस हेरा अपोलो एरीज हर्मीज अब ये जो जियूस है इसको जुपीटर भी कहा जाता है और इसको गॉड ऑफ़ स्काई एंड थंडर कहा जाता है। हेरा जो है वो जियोस की वाइफ है और इसको जोनो भी कहा जाता है फिर अपोलो है गॉड ऑफ सन फिर एरीज है फिर हर्मीज़ है अच्छा ये जो गॉड हैं इनको ओलंपियंस कहा जाता है द ओलंपियंस अच्छा ये जो ओलंपियंस हैं बेसिकली ये थर्ड जेनरेशन ऑफ गॉड्स हैं थर्ड जेनरेशन ऑफ गॉड्स ठीक हो फर्स्ट जनरेशन में आ गए गाया और यूरेनस सेकंड जनरेशन ऑफ गॉड्स के अंदर आ गए हाइपेरियन क्रोनस रिया थिया फीब ओशनस ऑस्टेरिया हीस और थर्ड जनरेशन ऑफ गॉड्स जो हैं उनमें आ गए जियूस हेरा अपालो एरीस और हर्मीज ठीक हो गया अब बेसिकली ये जो लड़ाई है ये सेकंड जनरेशन ऑफ गॉड्स और थर्ड जनरेशन ऑफ गॉड्स के बीच में है यानी ये बेसिकली ये जो फ़ाइट है ये जो लड़ाई है ये टाइटेंस और ओलंपियंस के बीच में है और कहते हैं कि ये जो फाइट है ये कॉन्टीन्यूड फॉर कॉन्टीन्यूड फॉर टेन ईयर्स यानी गॉड गॉड्स के बीच में जो लड़ाई होती रही जिसमें सेकंड जनरेशन ऑफ़ गॉड्स है और थर्ड जनरेशन ऑफ़ गॉड्स हैं और ये जो फ़ाइट थी डेट वाज़ अ फाइट ऑफ सुपर मैसी ये दस साल तक होती रही और अल्टीमेटली जो है जो ओलंपियंस थे वो इसमें फाते डिक्लेयर हुए और जो सेकंड जनरेशन ऑफ़ गॉड्स है उनका फॉल हो गया तो बेसिकली जो आप हाइपेरियन पॉइम पढ़ते हैं तो बेसिकली जॉन कीट्स ने इसके अंदर फॉल ऑफ हाइपेरियन, यानी कि जो सेकंड जनरेशन ग्रीक गॉड्स हैं उनका जो फॉल है उनका जो डिमाइज है, है डिक्लाइन है उसको डिस्कस है इस पॉइम के अंदर उसने किया है जब पॉइम शुरू होती है तो शुरू में आपको सैटर्न का जो जिक्र है वो मिलता है सैटरन जो है वो एक अनजान सी वादी में बड़ी पैथेटिक सिचुएशन के अंदर गिरा पड़ा है और बड़ी सैड और डिसपॉइंटमेंट की कैफियत के अंदर है तो शुरू में इसका तस्करा जब ये एपिक पॉइम जो है ना इसकी बुक वन शुरू होती है उसमें आपको मिल जाता है फिर वहाँ पे थिया आती है और थिया जो है वो इसके कदमों में बैठ जो है वो रोना शुरू कर देती है और सैटरन को जगाने की कोशिश करती है अल्टीमेटली जो सैटरन है वो फिर उठता है और इसको पहचान जाता है कि ये मेरी बहन थिया है ठीक है यानी थिया जो है वो इसके पास आती है और इसकी दिलजोई करती है फिर ये उसको बताती है कि आपका फॉल तो हुआ पड़ा है लेकिन बहुत से टाइटन्स ऐसे हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जो हैं वो गिरे पड़े हैं मतलब ये है कि कुछ कैद हो गए हैं और कुछ जो है वो और अनजानी सवारीों के अंदर गिरे पड़े हैं और वो सारे जो हैं वो सैटर्न की तलाश में हैं वो हाइपेरियन की तलाश में हैं ताकि वो दोनों जो हैं वो मिलकर ये सब एक दफ़ा फिर मिलकर जो है वो ओलंपियंस के ख़िलाफ़ एक फ़ाइट करें और अपना जो खोया हुआ मकाम है वो हासिल कर लें अब ये जो ज्यूस हेरा, अपोलो एरीज़ ये बेसिकली इनके ही बेटे हैं ये सैटर्न के ही बेटे हैं ठीक है और इन्होंने क्या किया जियूस जो है या अपोलो है जो ओलंपियन गॉड हैं इन्होंने अपने ही इजराद के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत कर दी और एक जंग का आगाज़ किया और 10 साल तक ये जंग जारी रही और अल्टीमेटली इन्होंने शिकस्त दे दी टाइटेंस को तो बेसिकली इस पोइम के अंदर जो जॉन कीट्स है वो हाइपेरियन का जो फॉल है उसको डिस्कस कर रहा है और हाईपेरियन का फॉल किन के हाथों हुआ उसकी अपनी ही जो बच्चे थे जो आगे जो तीसरी जो उसकी पीढ़ी थी जो नस्ल थी उनके ही हाथों उनका जवाल होगा तो बेसिकली इस पोएम के अंदर जो जॉन कीट्स है वो हाइपीरियन का जो फॉल है उनकी जो एक डिक्लाइन है जो सैड सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है और ये फॉल किन के हाथों हुआ यानी उनके अपने बच्चों यानी कि जियूस अपोलो इनके हाथों इनके बच्चों ने ही अपने आबावराद के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और एक जंग लड़ी और उसमें उनको डिफीट कर दिया तो डियर स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाईपीरियन के जो करेक्टर्स हैं इसमें नंबर वन पे जो है वो सैटर्न आता है जो किंग ऑफ गॉड्स है यानी ये मरकज़ी किरदार है इस हाईपीरियन पॉइंट के अंदर उसके बाद जो है वो ओप्स का जिक्र आपको मिलता है ये सैटर्न की वाइफ है और तीसरे नंबर पे जो है वो थिया यानी ये सैटर्न की जो है ये सिस्टर है सैटर्न सिस्टर और उसके बाद जो है वो है जी एनसीट्स ये गॉड ऑफ वॉर है और ओशनस गॉड ऑफ सी है और हाइपेरियन गॉड ऑफ सन है और जो ओलंपियंस सन्स हैं उनके नाम है जी जोपीटर नेपचून एंड प्लूटो तो ये इस पॉइम का जो है ये क्रैक्टर हैं उसके बाद हम इस पॉइम का जो थीम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं तो बेसिकली इस पॉइम का जो थीम है वो फॉल ऑफ हाइपिरियन है यानी हाइपिरियन का फॉल सेकंड जनरेशन जो ग्रीक गॉड्स थे जिनको टाइटेंस कहा जाता है दे वर डिफीटेड बाई थर्ड जनरेशन ओलंपियन गॉड्स और ये जो वॉर है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ये दस साल तक जो है ये जारी रही और ये वॉर ऑफ सुपर मैसी थी अब इस पॉइम के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूँ नंबर वन पे है जी दिस एपिक पॉइम वाज कंपोज्ड बिटवीन 1818 टू 1819, यानी 1818 और 1819 के दरमियान दरमियान ये लिखी गई बट कीट्स अबेंडनड अबेंडेंड होता है इसे छोड़ दिया छोड़ दिया अबेंडेंड इट एज हैविंग टू मैनी मिल्टोनिक इन्वर्शन्स यानी इसमें जो मिल्टौनिक इन्वर्शन्स थी वो बहुत ज़्यादा थी अब ये मिल्टोनिक इन्वर्जनस क्या हैं कि ऐसे लगता है जब आप ये पॉइम पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप पैराडाइज लॉस्ट जो है उसका एक कॉपी जो है वो आप पढ़ रहे हैं यानी पैराडाइज लॉस्ट का इस पॉइम के ऊपर बहुत ही इन्फ्लुंस है कीट्स वॉज नर्शिंग हिज यंगर ब्रदर टॉम जब वो पोएम ये लिख रहा था तो उसका जो छोटा भाई टॉम था उसकी वो देखभाल कर रहा था हु डाइड इन एटीन नाइनटीन ऑफ ट्यूबर कलोस जो टी बी का मरीज था और अठारह सौ उन्नीस में जो है उसकी डेथ हो गई थी नंबर थ्री पे है जी द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स ये ब्लैक वर्स पैटर्न पर लिखी गई है विद टू कम्प्लीट बुक्स Uh, दो मुकम्मल बुक्स हैं एंड थर्ड इनकम्प्लीट बुक और तीसरी की जो बुक है वो इनकम्प्लीट है इसमें बुक वन जो है वो कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवन लाइन्स के ऊपर मुशतम है और बुक टू जो है वो थ्री हंड्रेड नाइन्टी वन लाइन्स के ऊपर मुश्तल है और बुक थ्री जो है ये उसने इसको छोड़ दिया जो लाइन है वन थर्टी सिक्स इसका जो मिड सेंटेंस है उसके ऊपर इसने जॉन कीर्स ने इसको छोड़ दिया उसके बाद फिर उसने इस पॉइम के ऊपर काम ही नहीं किया तो बेसिकली ये जो हाइपेरियन है ये जॉन कीट्स की एक अटैम्प्ट है एपिक पॉइम लिखने की लेकिन उसने इसको कंप्लीट नहीं किया इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया तो जो आ, हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती है पार्ट टू के सिलेबस में उसमें ये तीन बुक्स तो नहीं है लेकिन ये है कि उसमें बुक वन जो है वो आपने कंप्लीट पढ़नी होती है तो ये तो था आज हाइपेरियन के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर उम्मीद है कि आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी इसके साथ ही शाहिद बट्टी को इजाज़त दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज